Hello guys, good morning and welcome to Example. Good morning to everyone. Please join this session and share this session once. And I hope my audio and video both are reaching to you properly. Okay. Okay. जैसे आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग करंट अफेयर्स वाले इशू सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर इस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें देखेंगे कि करंट अफेयर में जो करंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में. आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा स्मॉग. स्मॉग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली जब हम लोग दीपावली के आसपास में होते हैं या विंटर सीजन में, तो दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में आपको स्मॉग की कंडीशन देखने को मिलती है. तो स्मॉग इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, और यूपीएससी में इस बार के मेंस एग्जाम में फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. तो फोटोकेमिकल स्मॉग इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, और स्मॉग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ में ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. और मेंस में 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी मेंस में 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है, अब हाउ दिस फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द सीक्वेंसेस ऑफ दिस फोटोकेमिकल स्मॉग, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन मेंस 2022. ठीक है, तो 2022 में इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, तो आप यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए. ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें जो है अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है. ठीक है, स्मॉग, व्हाट इज द स्मॉग और व्हाई दिस टॉपिक इज इन द न्यूज. ठीक है, जब भी कभी भी स्मॉग बढ़ता है या सर्दी का टाइम पीरियड होता है तो दिल्ली में स्मॉग गन को इंस्टॉल कर दिया जाता है. स्मॉग गन को इंस्टॉल कर दिया जाता है, और स्मॉग गन का इंस्टॉलेशन का मेन पर्पस ये होता है कि हम स्मॉग को कंट्रोल करें. ठीक है, स्मॉग इज बेसिकली जो है, अगर आप इसको देखो तो ये दो चीजों से मिलकर के बनता है, यानी स्मोक प्लस फॉग. फॉग और स्मोक इन दोनों से मिलकर के स्मॉग का फॉर्मेशन होता है, स्मोक एंड फॉग. ठीक है, ये स्मोक जो है वो अलग अलग, चाहे तो वो इंडस्ट्री से रिलीज हो या आप देखो वो व्हीकल से रिलीज हो, यानी कहीं से भी स्मोक अगर आता है और वो फॉग के साथ में मिक्सअप हो जाता है तो वही हमारे लोअर एटमोसफेयर में, यानी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में सस्पेंड करने लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड द स्मोक. उसी को हम लोग स्मोक कहते हैं. ठीक है, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन आपने देखा यहाँ पर कि क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्यों ये न्यूज में है, और क्यों ये हम लोग चीजों को देखते हैं. अब आप देखो कि दिल्ली में, जब अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या आप कभी भी बड़े सिटीज में जहां पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, तो प्रेजेंट टाइम में मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज द दिल्ली. यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली जो राजधानी है वो हमारी कौन सी है, दिल्ली है. और इसलिए दिल्ली में स्मॉग से रिलेटेड कई सारे हम लोग स्टेप्स लेते रहते हैं, कई सारी चीजें लेते रहते हैं. अब इसके लिए एंटी स्मॉग गन, यानी इन एंटी स्मॉग गन का यूज किया जाता है, जिसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा व्हीकल्स पे एंटी स्मॉग, जहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स को एटमोसफेयर में डाला जाता है, जिसकी वजह से स्मॉग को ये अपने साथ में लेकर के नीचे आ जाती है. तो हाल फिलहाल में इस बार दिल्ली में अभी तक, यानी ये जो विंटर है, जो दिवाली का टाइम है, इस विंटर यानी इस दिवाली में दिल्ली में सबसे ज्यादा इस स्मॉग गन्स को यूज किया जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा स्मॉग गन को यूज किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा स्मॉग गन्स को यूज कर रहे हैं, यानी इस बार इंस्टॉल किया जा रहा है, और जिसकी वजह से ये चीज न्यूज में आई. ठीक है, सबसे ज्यादा स्मॉग गन्स का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है. तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. अब ये बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं, रीजन क्या है इसको पढ़ने का, इसको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे. इन विंटर दिल्ली विल हैव मोर एंटी स्मॉग गन्स देन द प्रीवियस ईयर्स, यानी इन दिस विंटर दिल्ली विल हैव मोर एंटी स्मॉग गन्स देन द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में इस बार हमारे पास में एंटी
जो स्मोक गन्स हैं वो ज्यादा होंगी, यानी उनका नंबर ज्यादा होगा। तो ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस बार हमारे पास में यानी जैसे जैसे हम लोग टाइम बीता जा रहा है वैसे वैसे पॉल्यूशन लेवल भी हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, यानी पॉल्यूशन लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। व्हाइल ओनली लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफ द 20,000 स्क्वायर मीटर और मोर नीडेड देम लास्ट ईयर, यानी जो लास्ट ईयर था ये स्मॉग हर जगह पर नहीं रखा गया, हमारे पास में हमने ऑब्जर्व किया कि किन किन एरियाज में इसको रखना है, किन किन एरियाज में इसको रखना चाहिए। तो आप ये देखो कि 20,000 स्क्वायर मीटर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं उनके एरियाज में इसको रखना ज्यादा जरूरी होता है, यानी वहां पर जो स्मोक की कंडीशन या वहां पर जो सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इसको रखना जरूरी होता है। ठीक है, दे हैव नाउ बीन मैंडेटेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट एट द स्मॉलर कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ द 5,000 स्क्वायर किलोमीटर और मोर, यानी लास्ट ईयर 20,000 स्क्वायर मीटर पर रखना था, लेकिन इस बार जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रक्शन है, एक दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसमें हम उसने क्या किया 5,000 यानी 20,000 को रिड्यूस करके 5,000, तो पहले 20,000 से ज्यादा एरियाज में रखना था जो कंस्ट्रक्शन एरियाज थे, लेकिन अब उसके क्राइटेरिया को रिड्यूस किया गया और उसको क्राइटेरिया को रिड्यूस करके अब 5,000 कर दिया गया, और जब 5,000 कर दिया गया तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा एंटी स्मॉग गन का। द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रोलिंग आउट मोर व्हीकल्स माउंटेड एंटी स्मॉग गन्स दिस ईयर देन डिड लास्ट ईयर, यानी जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो भी ज्यादा व्हीकल्स को यहाँ पर अब एंटी स्मॉग गन्स के रूप में यूज करेगा, यानी एंटी स्मॉग गन्स के जो व्हीकल्स होते हैं वो एंटी स्मॉग गन्स के व्हीकल्स को ज्यादा यूज करेगा। आपको देखना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ये जो एंटी स्मॉग गन होता है व्हीकल्स पे इंस्टॉल किया जाता है और इसमें वाटर स्टोर किया जाता है, यानी वाटर टैंक होता है, और इस वाटर टैंक के थ्रू ये क्या होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसको एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है। अगर आप दिल्ली में मूव करते हो तो कई जगहों पर आपको ये दिखाई पड़ेगा रोड्स के किनारे पर, ठीक है, रोड्स पे आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको वहां पर दिखेंगी। ओके, सो ये चीज आपने यहाँ पर देखा, what is the context of this topic? Smog क्या होता है? Smog is a type of air pollution derived from the mixture of the smoke and the fog. ठीक है, यानी smog और fog के के mix है, दोनों को मिला करके एक term बनाया गया smog, और ये एक air pollution का type होता है, यानी this is a basically type of the air pollution. Smog is formed by the particulate matter present in the atmosphere. Mainly ground level ozone and the fine particles emitted through the fossil fuels from automobiles, factories and the power plants. ठीक है, यानी ये जो हमारे atmosphere में जो particulate या suspended particles होते हैं, suspended particles जो होते हैं उसी के साथ में अगर fog mix कर जाता है, अब ये suspended particles जो होते हैं वो क्या होते हैं, pollution, polluted particles होते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, पार्टिकुलेट मैटर जैसे पीएम वगैरह, इसमें अगर देखा जाए पार्टिकुलेट मैटर, इन सब का एमिशन अगर हम लोग देखें तो इन सब का एमिशन या तो ये कहाँ से निकलेंगे, या तो इंडस्ट्रियल एरिया से या इंडस्ट्री से इनका एमिशन होगा, ठीक है, या तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर का मतलब यहाँ पर व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से इनका रिलीज होगा, ठीक, तो इन जगहों से ये रिलीज होंगे, फैक्ट्रीज से या कोल पावर प्लांट से होते हैं, यानी पावर प्लांट से यहाँ पर जहाँ पर जियो थर्मल, ठीक है, ये जो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, ये जो पावर प्लांट्स होते हैं इन पावर प्लांट से इनका एमिशन होता है, और इन्हीं के साथ में जब ये फॉग मिल जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन में, ये डेंजरस मटेरियल या डेंजरस कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्मॉग, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को स्मॉग कहा जाता है। अब यहां पर देखो ये स्मॉग, अगर इसी स्मॉग को अगर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ में मिलता है तो इसको नाइट्रस स्मॉग कहा जाता है, और अगर ये सल्फर के साथ में मिलता है तो इसे सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस स्मॉग कहा जाता है।
जो नाइट्रस स्मॉग होता है इसको अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से नाइट्रस स्मॉग जो होता है, ये नाइट्रोजन जब मिलता है या नाइट्रोजन के पार्टिकल्स जब मिलते हैं, नया नाइट्रस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल जब फॉग के साथ में मिलते हैं तो नाइट्रस स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। और जब सल्फर के पार्टिकल्स या सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स मिलते हैं तो सल्फ्यूरस स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रस स्मॉग सबसे पहली बार लंदन में देखने को मिला था, जिसकी वजह से इसको लंदन स्मॉग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लंदन स्मॉग, ठीक है। और ये सबसे पहले लॉस एंजलस में देखने को मिला था, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉस एंजलस स्मॉग, ठीक है। तो नाइट्रस स्मॉग या सल्फ्यूरस स्मॉग, और इसी में से ठीक है, अब आप देखो कि ये जो नाइट्रस स्मॉग होता है ये बेसिकली क्या होता है कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में मिलते हैं तो इस टाइप के स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी इसी को फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है। और यही फोटोकेमिकल स्मॉग इस बार यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ था। तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, व्हाट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग, वही यानी जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में मिलते हैं तो इनके साथ में जो स्मॉग का फॉर्मेशन होता है इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रस स्मॉग, या इसी को लंदन स्मॉग भी कहते हैं। और जो दूसरा होता है सल्फ्यूरस स्मॉग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉस एंजलस स्मॉग, ठीक है। तो लॉस एंजलस स्मॉग और लंदन स्मॉग ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, यानी ये पॉइंट आपसे मेंस में क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, यानी ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, इन सस्पेंडेड पार्टिकल को अगर देखा जाए तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं यही जब फॉग के साथ में मिक्सअप होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो इन्हीं से स्मॉग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन्हीं से स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। दिस स्मॉग कैन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमेंट्स फ्रॉम माइनर पेन्स टू द डिजीज लाइक द लंग कैंसर, यानी ये जो स्मॉग होते हैं, अगर आप स्मॉग इसको देखो तो ये जो स्मॉग्स होते हैं ये बेसिकली अगर आपको एक छोटे से दर्द से लेकर के बड़ी सी डिजीज, यानी जैसे लंग कैंसर जैसे डिजीज को भी ये दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर दिल्ली में कोई एक नॉर्मल इंसान 24 घंटे रहता है तो वो जब वहां की इनहेलिंग करता है, यानी वहां पर सांस लेता है, तो लगभग 15 सिगरेट पीने के बराबर, यानी लगभग 15 सिगरेट पी करके जितनी लोगों को हार्म पहुंचती है उतना हार्म उसको एक नॉर्मल सिर्फ सांस लेने पर होता है। तो अगर आप सिगरेट ना भी पी रहे हो तो भी आपको लगभग 15 सिगरेट के आसपास पीने की जो नुकसान है वो आपको झेलना पड़ेगा अगर आप दिल्ली में 24 घंटे सांस लेते हो तो, यानी इतना ज्यादा पॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली थी। लास्ट यानी आज के तीन साल पहले जो दिवाली थी, उस दिवाली में अगर आप दिल्ली में देखो, तीन चार साल पहले की दिवाली, तो उस दिवाली में अगर आप देखो, यानी लॉकडाउन के 2-3 साल पहले, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसा हो चुका था जैसे कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो कवर हो गया है
और पूरा बादल सा छा गया था, यानी इतना ज्यादा स्मॉग कंडीशन हो गई थी कि सर्वाइव करना, आंखों में जो है जलन, ठीक है, इरिटेशन होना स्टार्ट हो गई थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था, यानी यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो गया था। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती रहती, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ। अब ऐसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए दिल्ली में एंटी स्मॉग गन्स का यूज किया जाता है। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी स्मॉग गन्स का यूज किया जाता है। एंटी स्मॉग गन किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या उसका रोल होता है, इसको अगर हम लोग देखें तो एंटी स्मॉग गन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। एन एंटी स्मॉग गन इज अ डिवाइस टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन विच विल स्प्रे एट मॉइस्ट वॉटर टू सेटल डस्ट एंड द अदर सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। यानी आप यहां पर देखो कि एटमोइस यानी वाटर पार्टिकल्स को हम ऊपर डालते हैं जिससे साथ में डस्ट पार्टिकल और जो अदर सस्पेंडेड मटेरियल है वो साथ में उस वाटर के नीचे आ जाए, ठीक है। यानी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ है सस्पेंड कर रहा है जो वहां पर लगातार बना रहेगा, तो हम वाटर को डाल करके और वाटर के साथ में उसको स्टिक करवा के नीचे लाने का कुछ का प्रयास करते हैं। और इसका काम कौन करता है, हमारा जो एंटी स्मोक स्मोक गन होता है। A Supreme Court order from January 2020 then mandates the use of the anti-smog gun at large construction sites, road construction stretches and the dust-prone traffic corridors. यानी 2020 में Supreme Court का ये order था, Supreme Court ने एक order दिया कि जहां जहां पर construction sites हैं, large construction site, ठीक है। जैसे आप देखो कि अभी दिल्ली में एक प्रोजेक्ट आपने बहुत पढ़ा होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, यानी जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है वो किसके अंतर्गत बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रही है। अब वो एक लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट, उस लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट के पास में एंटी स्मॉग गन का होना मस्ट है, जरूरी है, जिसकी साइज पहले 20,000 स्क्वायर मीटर थी, लेकिन अब उसकी जो है साइज वो 5,000 स्क्वायर मीटर है। यानी अब हम हमारे पास में ये एंटी स्मॉग गन भी ज्यादा है, तो हम 5,000 जो स्क्वायर मीटर वाले एरियाज हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर भी लगा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये लगाना है, रोड या हाईवे या जो और भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रेचेस होते हैं उनके जगह पर, और ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा डस्ट होते हैं, यानी ऐसे ट्रैफिक एरियाज जहां पर डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं वहां पर इसको लगाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है 2020, ठीक है, 2020 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये मैंडेटरी है। व्हाट आर द फीचर्स, यानी इसके फीचर्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस बाय द सीपीसीबी ऑन एंटी स्मॉग गन्स, वाटर थ्रो डिस्टेंस रेंज फ्रॉम 30 मीटर टू 100 मीटर, यानी इसके अकॉर्डिंग जो है डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस, यानी सीपीसीबी के गाइडलाइन के अनुसार क्या है कि इसमें जो डिवाइस होगी वो लगभग 30 मीटर से 100 मीटर तक वाटर को फेंक सकती है ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे तिरछा लगाया जाता है जिसमें ऊपर 30 मीटर टू 100 मीटर तक वाटर भेजा जाता है और वो एरिया के सस्पेंडेड मटेरियल को लेकर के वाटर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। तो सीपीसीबी के अकॉर्डिंग ये है 30 मीटर टू 100 मीटर तक पानी ऊपर भेजना है। अब 30 मीटर के बाद में जितनी भी स्टेमिना ज्यादा होगी उसकी डिवाइस की वो उतना ही ज्यादा होगा, तो ये डिपेंड करता है डिवाइस पे, बट मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 100 के आसपास में, 100 के ऊपर ज्यादा भेजने से कोई मतलब नहीं। तो 30 मीटर टू 100 मीटर वाटर को ऊपर भेजा जाता है और ऊपर से वो डस्ट सस्पेंडेड मटेरियल को लेकर के नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। एंटी स्मॉग गन्स कैन ऑल्सो बी रोटेटेड, यानी ये रोटेट भी होती है, यानी आप इसको रोटेट कर सकते हो। ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज नॉट टू बी यूज्ड इन द एंटी स्मॉग गन, यानी जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होते हैं उनका नहीं यूज किया जाता है। द गन्स दैट कस्टमाइज फॉर अर्बन एरियाज यूज 40 to 250 लीटर्स ऑफ द वाटर पर मिनट डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस, ठीक है। अब आप सोचो कि ये जो गन होता है, यानी एक इसका अगर ड्रॉबैक देखें तो ये ट्रीटेड वाटर को नहीं यूज किया जाता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे फ्रेश वाटर यूज किया जाता है, और साथ ही साथ में 42 to 250 लीटर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिवाइस पर मिनट के हिसाब से ये वाटर को यूज करता है। तो आप ये सोचो कि इतना ज्यादा वाटर यूज करना और इस पॉल्यूशन के लिए, तो आप सोचो कि हम लोग एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए अदर अनदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं,
यानी अगर हम एयर पॉल्यूशन को शॉर्ट आउट कर रहे हैं तो एक तरफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब आप सोचो इतने अमाउंट में अगर वाटर यूज होगा तो वाटर प्रॉब्लम होगी कि नहीं, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होगी, तो डेफिनेटली वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर हमें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दिखाना हो तो ये एक ड्रॉबैक है कि किस तरीके से वाटर गन हमारे वाटर्स को यूज कर रहा है, यानी एंटी स्मॉग गन जो है वो हाई क्वांटिटी में वाटर यूज करता है, अप्रोक्सीमेट 42 to 250 liters लीटर वाटर पर मिनट। तो आप सोचो कितना ज्यादा वाटर यूज करता है। वर्किंग द वेट स्केवेंजिंग प्रिंसिपल, यानी दिस वाटर गन इज वर्किंग ऑन द वेट स्केवेंजिंग प्रिंसिपल। वेट स्केवेंजिंग प्रिंसिपल मींस कि स्केवेंज करना, चीजों को हटाना वेट करके। ठीक है, वेट स्केवेंजिंग प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, वेट स्केवेंजिंग प्रिंसिपल क्या होता है? दिस मूव इज इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज वाटर कैनन, यानी ये चाइनीज वाटर कैनन जो है उसके मुंह पर है, दैट वर यूज बाय द अथॉरिटीज देयर विद द सम सक्सेस। और जिसमें आपको वो पता होगा कि बीजिंग कभी ऐसा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड कैपिटल हुआ करती थी वो दिल्ली नहीं थी, पहले बीजिंग थी। तो बीजिंग में वहां पर उन लोगों ने इस वाटर कैनन्स वगैरह का यूज किया जिसका रिजल्ट दिखाई पड़ा, तो उसी को हम लोग कॉपी करते हुए हम लोग भी इसको यूज कर रहे हैं, यानी हम लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। द आइडिया इज दैट द रेन ड्रॉपलेट्स कैन रिमूव द पॉल्यूटेंट्स बाय बाइंडिंग डस्ट एंड द अदर पार्टिकुलेट मैटर एंड ब्रिंग देम डाउन टू द ग्राउंड लेवल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द वेट स्केवेंजिंग। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वेट स्केवेंजिंग? वेट स्केवेंजिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या सस्पेंडेड मटेरियल हैं वो नीचे की तरफ आ जाए। पहले क्या होता था, रेनफॉल होती है, वो रेनफॉल में यही चीज होता है, रेनफॉल के टाइम पीरियड में, एंड जब रेनफॉलिंग होती है तो रेनफॉलिंग से क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं एटमोसफेयर में वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यानी सारे के सारे जो पॉल्यूशन होता है या पॉल्यूटेड मटेरियल होते हैं वो सारे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर किया जा रहा है कि हम वाटर ड्रॉपलेट्स को रेनफॉल तो नहीं करवा सकते, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे से ऊपर डाल करके और उनको उनके साथ में बाइंड करके और नीचे की तरफ ले आ जाए। और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ द वेट स्केवेंजिंग है जिसको आपको ध्यान रखना है। सो वाटर कैनन, वाटर एंटी स्मॉग गन्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वाटर, प्रिंसिपल ऑफ द वेट स्केवेंजिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वेट स्केवेंजिंग। समझ में आ गया यहां तक कि वेट स्केवेंजिंग प्रिंसिपल क्या होता है और जो एंटी स्मॉग गन होती है वो इसी पे काम करती है। एंटी स्मॉग गन जो है वो इसी पे फंक्शन करती है। हाउ इफेक्टिव दिस एंटी स्मॉग गन इन दिल्ली, इसको देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट है। There has been no thorough scientific analysis so far to determine what impact they have, and there could be some brief effect at best. ठीक है, अब देखो अभी तक हमारे पास में अभी लास्ट ईयर से इसका यूज करना स्टार्ट किया ज्यादातर लेवल पे, तो हमारे पास में बहुत ज्यादा अभी तक कोई एनालिसिस नहीं है, यानी बहुत ज्यादा कोई थॉरो एनालिसिस या साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है कि इसका इंपैक्ट है, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन बेसिस पे बताया कि इसका जो अप्लीकेशन है, यानी अगर इसको सही तरीके से अप्लाई कर दिया जाएगा तो इसका यूज तो ठीक है, यानी अगर सही तरीके से अप्लाई कर दिया जाएगा तो यूज तो सही है, लेकिन अब इसका एक्चुअली इसका हमें फायदा मिल रहा है कि नहीं, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको अभी हम लोग 2-3 साल और यूज करेंगे तब जाकर के हमें पता चलेगा। ठीक है, यू आर फायरिंग एट द स्मॉल प्लेस एंड द ओवरऑल वॉल्यूम इज स्मॉल, सो इट्स ऑलमोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर द एंटायर सिटी, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, द बेस्ट इज टू एक्ट एज द सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो
इनमें कुछ प्रॉब्लम क्या है, यानी इसके कुछ ड्रॉबैक्स की अगर बात करें, ठीक है, यानी इसके डिसएडवांटेज की बात करें, यानी कॉन्स की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा आप देखो यहां पर हैवी यूज ऑफ द वाटर, हैवी यूज ऑफ द वाटर, ठीक है, हैवी यूज ऑफ द वाटर, यानी आपको यहां पर हैवी यूज करना पड़ता वाटर का, ज्यादा यूज करना पड़ता वाटर। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है अगर उसको देखा जाए तो डू नॉट कवर, ओल्ड सिटीज फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर पर्टिकुलर साइट्स, ठीक है, यानी ये पूरे सिटी को कवर नहीं करता बल्कि कुछ पर्टिकुलर साइट्स पे करता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर साइट्स पे ही पॉल्यूशन को आपने कंट्रोल कर दिया तो ये पॉसिबल नहीं, यानी यू कैन नॉट जज, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कई जगह पर, तो कुछ जगह पर, लेकिन वो ओवरऑल पॉल्यूशन पे कोई उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक। और आप देखो कि वाटर का यूज करोगे तो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट परमानेंट सोल्यूशन, वी शुड फोकस ऑन द परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है, हमें किस पे फोकस करने चाहिए, वी शुड फोकस ऑन द परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन का मतलब जो पॉल्यूशन हो रहा है उसी को रोक लो ना, एक तरफ पॉल्यूशन किए जा रहे हो फिर उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज कर रहे हो, जिसकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, जिसको लेकर के इतनी ज्यादा अभी भी कमी है। तो आप ये देखो कि एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट करना कोई सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच नहीं माना जाता है, किसी सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच को नहीं माना जाता है। तो दिस इज द ड्रॉबैक, ये इसकी ड्रॉबैक है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वल्चर्स से रिलेटेड, यानी नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द वल्चर्स इन द इंडिया, ओके। वल्चर्स आर द स्केवेंजर्स, वल्चर्स आर द स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स मींस जो हमारे नेचर की सफाई करते हैं। नेचर में अगर कोई भी चीज है जो गंदे है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से फंगस हो सकते हैं, तो उनकी सफाई करने का काम कौन करता है, ये स्केवेंजर्स, एंड दीज स्केवेंजर्स आर used or they are supposed to use to clean the atmosphere, clean the nature of nature, ठीक है, ये nature को clean करते हैं। और India में different different type के vultures पाए जाते हैं, यानी जिसमें आप अगर आप देखो तो Egyptian vulture, Eurasian griffin vulture, beard vulture, red headed vulture, ठीक है, slender billed vulture, हिमालयन ग्रिफन वल्चर एंड व्हाइट रम्प्ड वल्चर, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वल्चर्स इंडिया में पाए जाते हैं। और ये जो वल्चर्स हैं, ये वल्चर्स का काम क्या है, दे आर बेसिकली द स्केवेंजर, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, क्यों इनको हमें पढ़ना है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, क्यों इन्हें हमें पढ़ना है। तो देखो, द तमिलनाडु स्टेट हैज फॉर्मड अ कमिटी टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स व्हिच ऑलमोस्ट वेंट एक्सटिंक्ट इन द कंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। तमिलनाडु स्टेट ने एक स्टेप लिया है जिसमें इन्होंने एक कमिटी बनाई है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को, कैसे, यानी इन्होंने एक कमिटी बनाई है जिसमें ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क करेंगे और जिसके बेसिस पे ये इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ द वल्चर्स, यानी वल्चर्स को किस तरीके से इफेक्टिवली कंजर्व किया जाए उसके बारे में बात किया जाएगा, और जो कि 21st सेंचुरी में लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी ये जो वल्चर्स हैं वो मोस्टली 21st सेंचुरी में लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी ये गायब हो चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में इनको किस तरीके से बचाया जाए, इंस्टीट्यूशनली कैसे, किस तरीके से इनको बचाने का प्रयास किया जाए, इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई। अब जब ये कमिटी बनी है, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी वजह से ये न्यूज में आ जाएगा, यानी ये चर्चे में, यानी ये टॉपिक हमारा चर्चे में। सो व्हाट इज द
the condition, what is the status of the vultures declining? Number of the vultures has been seen in the constant decline since 1990s. 1990s से हमारे पास में जो vultures हैं वो लगभग ज्यादा मात्रा में decline कर रहे हैं. Between the 1990s and 2007, numbers of the three presently critically endangered species, the oriental white backed, yani ek oriental white backed, long billed and slender billed vultures decreased massively with the 99% of their species having wiped out. ठीक है, तो आप ये सोचो ये three vultures कौन सा है जिसमें oriental white backed, yani ये oriental white backed, दूसरा long billed, ठीक है, दूसरी लॉन्ग बिल्ड एंड तीसरी स्लेंडर बिल्ड वल्चर, यानी ये थ्री वल्चर्स जो हैं इनकी पॉपुलेशन 99% वाइप आउट हो चुकी. ठीक है, यानी 99% वाइप आउट हुई कब से कब के बीच में? 1990 से 2007 के बीच में. अब आप सोचो कि किसी एक स्पीसीज का यानी किसी एक कैटेगरी का 99% एक्सटिंक्ट हो जाना क्या कितना डेंजरस कंडीशन होती है. तो आप ये सोचो कि इन तीनों में 99% जो है वो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई. द नंबर ऑफ द रेड हेडेड वल्चर्स आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नाउ डिक्लाइन बाय 91% व्हाइल द इजिप्टियन वल्चर्स बाय 80%. इजिप्टियन वल्चर 80%, ये 91%, ठीक है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं. तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी ऑलरेडी इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है. The decline in the vulture population came into the limelight in mid-90s. ठीक है, यानी जो ये mid-90s में जाकर के ये limelight में आए कि क्यों इनकी population इतनी तेजी से decrease कर रही है. Why the population of these vultures has been declining? What are the reason behind this? What are the actual cause? We should find out the what are the actual cause for the declination of the vultures. Because if in any ecosystem, if in any nature, if there is an absence of the vulture, that means if there is an absence of the scavengers. If there is an absence of the scavengers, that means we are attracting the many unwanted bacterial or the microorganism, spreading of the microorganism. That would be cause for the many dangerous disease. Okay, many dangerous disease. The scavenger or the presence of the scavenger in any atmosphere, in any ecosystem or the nature is very, very necessary. So we should protect them, we should conserve them, we should save them, the scavengers. Okay, so role of the scavengers is very important. ठीक, जैसे आप अपने घरों से कचरा ना उठाओ, ठीक है, दो चार साल का दो महीने नहीं उठाओ, ठीक है, एक महीने नहीं उठाओ कचरा, तो आप देखो आपके घर की हालत क्या हो जाएगी. ठीक है, आपके घर में फंगस रहना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी डिजीज, बहुत सारे ऐसे बीटल्स जनरेट हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जो है अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स आना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक, तो ऐसे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना. कॉजेस फॉर द डिक्लाइन, व्हाट आर द कॉजेस, यानी क्यों ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इनके डिक्लाइनेशन के पीछे का कॉजेस क्या है, क्यों कॉज डिक्लाइन कर रहे हैं. उनमें से एक कॉज आप लोग सभी लोग जानते होंगे, डाइक्लोफिनैक. ठीक है, उनमें से एक कॉज आप लोग सभी जानते होंगे, डाइक्लोफिनैक. यूज ऑफ द डाइक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक इज बेसिकली अ पेन किलर ऑफ द एनिमल्स और द कैटल्स, अ वेटरनरी नॉस्टेरॉइडल एंटी फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID, इन 2004 फाउंड इन द कारकास ऑफ द कैटल दैट द वल्चर्स फीड ऑन देम. कारकास मीन्स द डेड बॉडी, कारकास मीन्स द डेड बॉडी ऑफ द कैटल्स. तो ये जो कैटल्स होते हैं, इन कैटल्स के बॉडी में यानी इनके डेड बॉडी में जो कारकास होता है, इसमें ये जो डाइक्लोफिनैक है, ये डाइक्लोफिनैक इकट्ठा मिलता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बायोमैग्निफिकेशन. तो ये बायोमैग्निफिकेशन जब आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको इसका एग्जांपल बताया जाता है कि जब कोई भी अनडाइजेस्टिबल चीजें यानी जिसका एसिमिलेशन नहीं हो सकता है, यानी अनअसिमिलेटेड चीजें अगर किसी एक फूड चेन से यानी फूड चेन में बनी रहती हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती हैं, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता जाता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द बायोमैग्निफिकेशन. तो आप ये देखो कि कैटल्स की बॉडी में ये पाया जाता है, और कैटल्स की बॉडी में जब ये पाया जाता है तो वल्चर्स उन्हीं को फीड करते थे. जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी जो होती थी, जो कारकास होता था, उसको वो फीड करते थे. तो ये अब उनकी बॉडी से ट्रांसफर किधर हो जाएगा, वल्चर्स की तरफ.
तो डाइक्लोफिनेक जब उधर वल्चर के फीड हो वापस हो जाता था तो ऐसे में वो स्टोर हो जाता था और वो जाकर के इन वल्चर्स की किडनी को डैमेज करता था, यानी कि इसको किडनी को डैमेज कर देता था, इनकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता था, तो जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इसका वेटनरी यूज बैन कर दिया गया 2008 में। यानी अब डाइक्लोफिनेक का वेटनरी यूज जो है वो बैन कर दिया गया, हम लोग यूज करते हैं, वी पीपल आर यूजिंग द डाइक्लोफिनेक। जब आप पेन किलर खरीदोगे, किसी भी पेन किलर को खरीदते हो तो आप देखना उस दवा में वहां पे डाइक्लोफिनेक लिखा होगा, ठीक है। तो डाइक्लोफिनेक हम लोग यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, ठीक है, दिस प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गन क्लोरीन पेस्टिसाइड, यानी यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गन क्लोरीन पेस्टिसाइड, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द हैवी मेटल्स वर आल्सो कॉज ऑफ द मोर्टैलिटी, यानी ये सब भी इनके मोर्टैलिटी का एक रीजन है, यानी ये सब भी, यानी यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में, और उन पेस्टिसाइड से ये फूड चेन में एंटर करता है, और फूड चेन में जब एंटर करता है तो किसी ना किसी तरीके से इन वल्चर्स के बॉडी में जाता है, और ऐसी कंडीशन में इनकी डेथ होती है। तो इनकी मोर्टैलिटी में पेस्टिसाइड्स का यूज भी है। लैक ऑफ नेस्टिंग, यानी इनके नेस्टिंग के लिए जो ट्रीज वगैरह होते थे, यानी आजकल के टाइम पे अगर आप देखो तो बर्ड्स क्यों का लॉस हो रहा है, बर्ड्स पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हमने ट्रीज को खत्म कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। तो जब ट्रीज ही नहीं होंगी, उनके लिए जगह ही नहीं होगी, नेस्टिंग का प्लेस नहीं होगा, तो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करेगी, ठीक है, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर लैक ऑफ जो है नेस्टिंग है। ट्रीज इलेक्ट्रोकॉशन बाय द पावर लाइन्स, यानी आप देखो ये दूसरा, आप देखो कि हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स को बिछा रखे हैं, और उन इलेक्ट्रिक लाइन्स की वजह से, यानी उन इलेक्ट्रिक लाइन्स की वजह से भी ये लोग कई बार जाकर के उसमें हीट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी डेथ होने लगती है, क्योंकि हैवी होते हैं, वेट में हैवी होते हैं। फूड डर्थ एंड कंटामिनेटेड फूड, यानी इनकी जो फूड है वो फूड की क्वालिटी डैमेज हो गई, फूड में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स कंटामिनेट हो गए, जिन जो जाके इनके बॉडी में कई सारे चेंजेस कर देते हैं, या जो इनके बॉडी में कई सारे डैमेज कर देते हैं। तो जो कंटामिनेटेड फूड है या जो फूड डर्थ है, ये एक प्रॉब्लम है इनके लिए, यानी इनके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंस ऑफ द वल्चर क्या होता है, वल्चर आर कारकास फीडर्स and play a significant role in the natural mechanism of the infection control. सब आप सोचो कि कारकास का मतलब क्या होता है, कि ये डेड बॉडी, यानी जो भी डेड बॉडी बॉडी होती है उसको ये फीड करते हैं, डेड बॉडी का जो मटेरियल होता है उसको ये यूज करते हैं, ठीक है। अब डेड बॉडी को ये यूज करते हैं, तो इसके मटेरियल को ये यूज कर लेते हैं, अगर वो डेड बॉडी किसी भी एटमोसफेयर में, किसी भी एनवायरमेंट में या किसी भी इकोसिस्टम में कंटिन्यू पड़ी रहे, तो आप ये सोचोगे कि वो जो डेड बॉडी होती है वहां पर कई सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे आप देखो कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, जैसे वायरसेस आ जाएंगे, जैसे आप देखो यहाँ पे फंगस आ जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ये अगर मान लेते हैं कि कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जो हमारे लिए एंटी है, या जो ह्यूमन बीइंग के लिए या जो अदर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं सही है, तो आप वो सोचो कि कितना वो आउटब्रेक कर देगा। आउटब्रेक का एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो इस समय कौन सा, कोविड सार्स टू, जिससे कोविड-19 हुआ था। कोविड सार्स टू वायरस क्या है, एक वायरस था जो इतने तेजी से इन्फेक्शन फैलाया कि पूरा वर्ल्ड उसके अफेक्ट में आ गया, इवन 2-3 साल हमारा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट चला गया, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर ये नहीं होंगे, यानी ये वल्चर्स नहीं होंगे, तो ऐसे में इस टाइप की डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका होना हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इनका प्रेजेंट होना हमारे एटमॉस्फेयर में जरूरी होता है, तो ये स्केवेंजर्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि आप अपने घरों में, यानी आप अपने घरों में 1 महीने सफाई नहीं करो, ठीक है, 1 महीने वहां के कूड़े कचरे को नहीं बाहर फेंको, तो आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। शानू, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी धनतेरस, गुड मॉर्निंग एंड सेम टू यू। धनतेरस मतलब आपको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ,
इन सब का फेस्टिवल होता है। सो आप लोगों को भी सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये सारी चीजें मिले, जो आपका ड्रीम है वो ड्रीम आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स का टारगेट होता है कि आप एक चीजों को एस्टैब्लिश करो, एक नया टारगेट बनाओ और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो आज धनतेरस है, आप लोग भी को सेम टू यू, ठीक है। प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल, अनलाइक इन द अदर रिलीजियस वेयर द डिसीज्ड पर्सन्स बॉडी इज क्रीमेटेड और बरीड, व्हेन अ पारसी डाइज हिज हर बॉडी इज लेफ्ट इन द लोअर साइलेंस ऑफ द टावर ऑफ द साइलेंस फॉर द वल्चर्स। देखो अपने यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज होती हैं, उन कम्युनिटीज में जैसे इस्लाम में देखा जाए, जो मुस्लिम कम्युनिटीज होती हैं, उनमें जो डेड बॉडी होती है, वो उस डेड बॉडी को देखा जाए तो वो डेड बॉडी ले जा करके बरी कर देते हैं, दबा देते हैं, मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, दफन कर देते हैं, ठीक है, दफन कर देते हैं। अब उस दफन करने के बाद में वो बॉडी डिकम्पोज होकर के, मिट्टी के नीचे डिकम्पोज होकर के मिल जाती है, और वो मुझे लगता है एक बेस्ट, एक सही तरीका है, ठीक है, एक सही तरीका है, बॉडी को डिकम्पोज करवा देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, इस टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिंदू रिलीजन में क्या होता है कि बॉडी को जला देते हैं, यानी बॉडी को हम लोग जला देते हैं। अब बॉडी को जलाने पे क्या होता है कि हम बॉडी के साथ साथ में बहुत सारे जो है लकड़ी या हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, तो एक तरीके का ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो हिंदू रिलीजन में जो बॉडी को जो है फंडल किया जाता है, ठीक है, फंडल जो होता है बॉडी का, वो एक तरीके से एनवायरमेंट के सही नहीं, एनवायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो गलत होता है एक तरीके से प्रेजेंट टाइम में। और ये सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं, यानी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसके अकॉर्डिंग, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बर्निंग ऑफ द बॉडी यानी फ्यूनरल ऑफ द बॉडी इज नॉट इको फ्रेंडली एक्टिविटी, ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं होती। बट अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ, इस्लाम में दबाना क्यों हुआ, दफन करना क्यों हुआ, और हिंदू रिलीजन में जो है वो जलाना क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग वहां से, यानी जो हिंदू रिलीजन है वो ऐसी जगह पर था जहां पर पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं थी, पानी की कोई कमी थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, तो हम उसको जला देते थे क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। इस्लाम में अगर आप देखो तो इस्लाम का उदय वहां पे हुआ जहां मरुस्थल है, वहां पे कोई पेड़ पौधे या पानी की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब आप देखो हिंदू रिलीजन में बार बार नहाना बताया गया है, ठीक है, यानी हिंदू रिलीजन में आप देखो पानी इतना था कि रोज नहाते रहते थे, सुबह नहाए, शाम नहाए, दोपहर नहाए, ठीक है। बट इस्लाम में आपको बताया गया कि अगर पानी ना मिले, वजू करना है, तो आप मिट्टी से भी वजू कर सकते हो, ठीक है, जिस जगह पर हो, तो क्योंकि वहां पे पानी की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, इस वजह से उन लोगों ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करती है। लेकिन अपने यहाँ पे जो एक कम्युनिटी है पारसी कम्युनिटी, उस पारसी कम्युनिटी को देखा जाए तो वो इको फ्रेंडली कम्युनिटी है, और उसमें जो डिजीज्ड पर्सन होते हैं, उन डिजीज्ड पर्सन को वो लोग जो है टावर ऑफ द साइलेंस, एक जगह है उस वहां पर ऊंचाई पे ले जाकर के रखाते हैं, या अगर मृत हो जाती है, बॉडी डेड कर जाती है, तो बॉडी को ना जलाते हैं ना दफन करते हैं, उसको ले आकर के रख देते हैं कि उस बॉडी को खा खा करके जो वल्चर्स हैं उनका पेट भरे, ठीक है। तो वो लोग इस ऐसा एक एक रिचुअल है, एक एक्टिविटी है जो किसमें होती है, पारसीज में। तो पारसी अपनी डेड बॉडी को कभी भी जलाते या बरी नहीं करते, बल्कि वो एक टावर ऑफ साइलेंस पे ले जा करके रखाते हैं, और टावर ऑफ साइलेंस पे ले जा करके रखाते हैं तो वहां पर वल्चर्स जो है उनको खा लेते हैं, ठीक है। अगर वो मृत मर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी कंडीशन नहीं रहती है, तो कई बार जो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, यानी बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, उनको ले जाकर के वहां पे रख के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक है, तो आप यहाँ पर देखो कि जो पारसियों की डेथ होती है तो उनकी बॉडी को बर्न नहीं किया जाता ना उनको बरी किया जाता, दोनों को ले जा, यानी उनकी बॉडी को ले जा करके जला वहां पे रख देते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ कैटेगरीज हैं वल्चर्स की, इन वल्चर्स की कैटेगरीज का यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी नियर थ्रेटेंड है, और कौन सी लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। इनकी कैटेगरी का आप देखो तो मोस्टली क्रिटिकली एंडेंजर्ड में चार है, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर,
slender billed vulture and the red headed vulture, these are the four which are in the critically endangered. ठीक है, critically endangered का मतलब high quality of the protection is required. High quality or the high degree of the protection is required for this population of the vulture. Endangered में Egyptian vulture है. Endangered में एक ही है, वो कौन सी है? Egyptian vulture. तो आपको ध्यान रखना है endangered में Egyptian vulture. Near threatened में Himalayan vulture, Cinereus vulture, Beard vulture, ये जो है वो near threatened में, और least concerned में Eurasian griffon. यानी Eurasian griffon की population relatively ज्यादा है. ठीक है, इनकी population ज्यादा है. तो दीज आर द वल्चर्स. अब इनके बारे में आपको पता रखना है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर आर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है. और आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, एक के पारसी से रिलेटेड जब मैंने हम लोगों ने वहां देगा, तो आप लोग पढ़ना एक संथारा. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द संथारा? ठीक है, संथारा क्या होता है ये आपको पढ़ना है. संथारा क्या होता है इसको पढ़ना है, और इसके बारे में ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज द संथारा. ये पढ़ना एक बहुत ज्यादा न्यूज में था संथारा, एंड वर्डिक्ट ऑन दिस. ठीक है, वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द संथारा रिचुअल. ठीक है, व्हाट इज द संथारा एंड व्हाट आर द व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द संथारा. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.